ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। टुडे वी रीड चैप्टर 64 ऑफ द अरण्यकांडम विच हैज 77 वर्सेस। श्री रामा एंड लक्ष्मणा कैरी आउट द सर्च फॉर सीता। श्री रामा गिव्स वेंट टू हिज ग्रीफ ओवर हर डिसअपियरेंस। कैचिंग अ हिंट फ्रॉम द डियर, द टू ब्रदर्स प्रोसीड इन द सदर्नली डायरेक्शन। श्री रामा शोज हिज एंगर टुवर्ड्स द माउंटेन, डिस्क्राइंग द फ्लावर्स ड्रॉप फ्रॉम द पर्सन ऑफ सीता and particles of her ornaments, as well as the vestiges of an encounter. Sri Rama ventilates his anger towards all the three worlds, including the gods. आज हम अरण्य कांड के चतुष्टयतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 77 श्लोक हैं। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्गार, मृगोद्वार संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। सदीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यम अब्रवीत शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीं अपि गोदावरीं सीता पद्मानि आनयितुं गता एवं उक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेवहि। तदंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। Feeling miserable, Sri Rama in piteous accents spoke as follows to Lakshmana. Proceeding apace to the Godavari River, O Lakshmana, find out if Sita has repaired there to the Godavari to gather lotuses. Commanded thus by Sri Rama, Lakshmana, for his part, readily sought with quick paces once more the delightful Godavari River. नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः ताम लक्ष्मणस्तीर्थवर्तीं विचित्वा रामम् अब्रवीत्। नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे कं नु सा द्वेषमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। अनेक तीर्थों घाटों में से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेही कुमारी ना जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम, जहाँ कृषकटी प्रदेश वाली सीता गई है उस स्थानों को मैं नहीं जानता। Having explored the river, provided with many excellent descents, Lakshmana submitted as follows to Sri Rama. I did not find her at any of the many descents, nor did she hear my crying even as I called out her name. I wonder to what region the princess of the Videhi territory, who used to drive away all agony by her very presence, has gone. नहि तं वेद्मि वै राम यत्र सा तनुमध्यमा लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः। लक्ष्मण की ये बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। रामः समभि चक्राम स्वयं गोदावरीं नदीं स ताम उपस्थितो रामः क्व सीते इत्येवम् अब्रवीत्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण कृतामपि न ताम शशंसु रामाय तथा गोदावरी नदी। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया।
And Lakshmana said, I have no knowledge whatsoever of the region where that lady of slender waist may be, O Rama. Distressed to hear the report of Lakshmana, Sri Rama, who felt detached through agony himself, sallied forth towards the Godavari River. Having reached the river, Sri Rama spoke to the river as follows. Where is Sita? Even living beings questioned by him before did not respond to Sri Rama about having been borne away by Ravana, the king of ogres, who deserved death at his hands, and so the Godavari River too kept quiet on that point. ततः प्रचोदिता भूतैः शंस च अस्मै प्रियामिति न च सा ह्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचता। तदंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो, किंतु शोक मगन श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। Thereupon the river was requested by the elements in the following words, Pray, give him news about his beloved spouse. Even though questioned by the grieving Sri Rama, the river, however, did not say anything about Sita. Ravanasya cha tadrupam karmapi cha duratmanaha dhyatva bhayattu vaidehim sanadhi na sashamsaha। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने विदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। Nay, recollecting that terrible form as well as the deed of the evil-minded Ravana, the said river, for her part, did not speak about Sita for fear of Ravana. So the tradition goes. निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः उवाच रामः सौमित्रिं सीता दर्शन कर्षितः। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को ना देखने से कष्ट पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले। Disappointed by that river with regards to the sight of Sita, Sri Rama, for his part, who looked emaciated due to the disappearance of Sita, spoke as follows to Lakshmana, the son of Sumitra. Esha Godavari Saumya Kinchan na Pratibhashate Kimnu Lakshmana Vakshyami Sametya Janakam Vachaha। सौम्य लक्ष्मण, ये गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर नहीं देती है, अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे ये अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? This Godavari does not choose to make any reply to me, O gentle brother. I wonder how I shall be able to break, O Lakshmana, the unpalatable news of Sita's death to King Janaka, my father-in-law, on meeting him as well as the mother of Sita, without Sita. Mataram chaiva vaidehya vina tam aham apriyam yame rajya vihinasya vane vanyena jivatah। राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेही कुमारी कहाँ चली गई? I wonder where that princess of the Videhi territory has gone, who beguiled all my grief, deprived as I was of sovereignty, and was living in the forest on the produce of the forest. सर्वं व्यपानय चोकं वैदेहि क्वनु स आगता ज्ञाति वर्ग विहीनस्य वैदेहि अपि अपश्यतः। बंधु बांधवों से तो मेरा बिछो हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। I presume nights will be unusually long for me, as I shall have to keep awake during them due to my not being able to see Sita, apart from the fact that I am already bereft of all my kinfolk. मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः मंदाकिनीं जनस्थानं इमं प्रश्रवणं गिरिम्। मंदाकिनी नदी जनस्थान तथा
प्रसवन पर्वत इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। Indeed, I shall attend as a servant on the Mandakini, a river of that name in the Janasthana, or the tract known by the name of Janasthana, as well as on this Prasharvana hills, if Sita is found in any of these places. सर्वाणि अनुचरिष्यामि, यदि सीता हि लभ्यते, एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। Actually, desirous of speaking to me, these large deer, O heroic Lakshmana, look at me again and again on this spot. वक्तुकामा इहहि मे इंगितानि अनुलक्ष्ये तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः, क्व सीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसमृद्धया गिरा एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः। तदंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से कुछ इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। I observe indications to this effect in their glances. Perceiving them eager to speak, Sri Rama, a scion of the Raghu, a tiger among men, for his part said to them, they say in a voice choked with tears, Where is Sita? And kept looking intently with a view to reading their mind through their eyes. दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्तलं, मैथिली क्रियमाणा सा दिशं याम् अभ्यपद्यत। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर से मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। Questioned thus by Sri Rama, ruler of men, the aforesaid deer sprang on their feet all of a sudden, and pointing towards the vault of the heaven with their eyes, all turned their heads toward the south, thereby indicating the princess had been borne away in the southerly direction by air, moving in the direction in which the aforesaid Sita, the princess of Mithila, had left while being carried away by Ravana. They continued to look at Lord Rama. The Caesarean Lord of Men. तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपं, येन मार्गं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। पुनः नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेन उपलक्षिताः, तेषां वचन सर्वस्वं लक्षयामास च इंगितम्। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते हुए और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार स्वरूप, जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। Since they cast their eyes towards the aerial route as also towards the ground and then moved along lowing, they were correctly understood by Lakshmana. The latter also understood their gesture, which conveyed everything that words could not express. उवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठं भ्रातरम् आर्तवत्, क्व सीतेति त्वया पृष्टा यते मे सहसोत्थिताः, दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः, साधु गच्छावहे देव दिशं येतां च नैरृतीम्। तदंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आज से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे। अतः देव, यही अच्छा होगा कि हम लोग उस नेतृत्व दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। Like one distressed, the wise Lakshmana submitted to the eldest brother, Sri Rama, as follows.
in as much as having sprung on their feet all at once when accosted by you with the words, "Where is Sita?" These deer pointed to the vault of the heaven as well as to the southern quarter. We had better move in this southwesterly direction, which is presided over by ogres, headed by Niriti, my lord. Yedi tasyagamaha kashit arya va sata lakshyate bhadam ityeva kakustaha prastito dakshinam disham. तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। Saying all right and nothing more and gazing on the earth, the glorious Sri Rama, scion of the Kakusta, followed Sri Lakshmana, who set out in the southerly direction. लक्ष्मणानुगतः श्रीमान वीक्षमानो वसुंधरा एवं संभाषमानो तावन अन्योन्यम भ्राता उभौ। दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर फूल गिरे दिखाई देते थे। Conversing with each other, as aforesaid, both those brothers saw a track on the earth with flowers scattered on it. वसुंधरायां पतित पुष्पमार्गम अपश्यताम पुष्पवृष्टिम निपतिताम दृष्ट्वा रामो महीतले। पृथ्वी पर फूलों की और वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा। Seeing a shower of flowers fallen on the earth's surface, the heroic Sri Rama, who was full of agony, spoke as follows to the afflicted Lakshmana. उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीह लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेही नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। I recognize these flowers, the flowers lying here, O Lakshmana. They were given by me in the forest to Sita and tied by her to her hair. अपि नग्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी। मैं समझता हूँ सूर्य वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरे प्रिय करने के लिए इन फूलों को सुरक्षित रखा है। I believe the sun god and the wind god, as well as the illustrious Mother Earth, preserve these flowers from decay in order kindly to do what is pleasing to me. अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् एवमुक्त्वा महाबाहुः लक्ष्मणं पुरुषऋषभम्। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्वन गिरी से कहा। Having spoken as aforesaid to Lakshmana, the flower of men, the mighty armed Sri Rama, whose mind was set on virtue, accosted the mountain, which was full of cascades and hence known by the name of Prasarvana. उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलं कच्चित् क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वांगसुंदरी। पर्वत राजा, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? And he said as follows, was a young lady, comely of every limb, bereft of me, seen by you in the delightful part of this forest, O Lord of the mountains? Rama, ramye vanoddeshe, maya virahita tvaya, kruddo abravit girim, tatra singhaha, shudramrugam yatha. Tam, hemavarnam, hemangim, sitam, darshaya parvata, यावत् सानूनि सर्वाणि नथे विद्वंसयाम्यहम्। तदंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है उसी प्रकार वह कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विंध्यवंश नहीं कर डालता हूँ इसके पहले ही तुम उस कंचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। Provoked to anger or not getting an answer, Sri Rama on that spot challenged the mountain with the following words, as a lion would a petty deer.
Show to me Sita, possessing a golden hue and endowed with golden limbs, before I shatter all your crests, O mountain. एवं उक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति दर्शयन् इव ताम सीताम न अदर्शयत राघवे। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित ना कर सका। Though seeming to reveal that princess of Mithila in the shape of some tokens, when threatened as aforesaid by Sri Rama, the mountain for its part did not actually show Sita to Sri Rama. ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयम् मम बाणाग्नि निर्दग्धो अस्मि भूतो भविष्यसि। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जल कर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। Thereupon, Sri Rama, son of Dasharatha, once more said to the rocky mountains, consumed by the fire of my shafts, you will be reduced to ashes in no time. असेभ्यः सर्वतश्चैव निस्तृण द्रुम पल्लवः इमां वा सरितं च अद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि ये नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूंगा। Nay, stripped of all the grasses, trees, and leaves, you will become uninhabitable on all sides. Turning to Lakshmana, he continued, Nay, I shall even dry up this Godavari river today, Lakshmana, if it does not tell me the whereabouts of Sita of the moonlike countenance. यदि न अख्याति मे सीताम अद्य चंद्र निभाननाम एवं प्ररुषितो रामो दिदक्षन्निव चक्षुषा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी ने उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद्म चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। Thus enraged, Sri Rama looked at the river as though he would consume it with his fiery eyes. ददर्श भूमौ निष्क्रांतं राक्षसस्य पदं महत् त्रस्ताया रामकंक्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था वह जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से सतंसत हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेही राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। In the meantime, he saw imprinted on the ground the enormous foot of an ogre. Nay, he also beheld the footprints of Sita, princess of the Videhi territory, running fast, terrified hither and thither when chased by the ogre and longing to meet Rama. Rakshasena anusruktaya vaidehyascha padani tu sa samikshya parikrantam sitaya rakshasasya cha भग्नम धनुश्च तूनी च विकीर्णम बहुधा रथम संभ्रांत हृदयो रामः सशंस भ्रातरं प्रियम्। सीता और राक्षस के पैरों के निशान टूटे धनुष तर्कस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वह अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, Perplexed at the heart, To observe the footprints of Sita as well as of an ogre, as also a shattered bow and a quiver and a chariot thrown about in paths, Sri Rama spoke as follows to his beloved brother Lakshmana. Pashya Lakshmana Vaidehya Kirnaha Kanaka Bindavaha Bhushananam Hi Saumitre Malyani Vividani Cha। लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं, सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। See, O Lakshmana, that particles of gold becoming forming part of the ornaments of Sita,
As also the flowers of various kinds are lying scattered on the ground, O son of Sumitra. तप्त बिंदु निकाशैश्च चित्रैः शतज बिंदुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्। सुमित्रा कुमार, देखो यहाँ की भूमि सब ओर से स्वर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। Also behold, O darling of Sumitra, the earth's surface covered on all sides with drops of blood of various size shining brightly like particles of gold. मन्ये लक्ष्मण वैदेहि राक्षसैः कामरूपिभिः बित्त्वा बित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। I presume, O Lakshmana, that Sita, a princess of the Videhi territory, was divided among themselves at this place by ogres capable of assuming any form at will after spitting out her pieces and then devoured. तस्या निमित्तं सीताया द्वयोर् विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह। तो मित्रानंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। At this place, O darling of Sumitra, has ensured a terrible conflict between two ogres contending for the sake of the aforesaid Sita. मुक्ता मनिचितं चेदं रमणीयं विभूषितं धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्दनुः। सौम्य, तभी तो यहाँ ये मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। ये किसका धनुष हो सकता है? Here lies broken and fallen on the ground this lovely and large bow, encrusted with pearls and gems and richly adorned, O gentle brother, whose may this be? राक्षसानाम इदं वत्स सुराणाम अथवापिवा तरुणादित्य संकाशम वैदूर्य गुलिकाचितम। वत्स, पता नहीं ये राक्षसों का है या देवताओं का, ये प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इनमें वेद्युमणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। This belongs either to the ogres or to the gods, my darling brother. Who is this armor? Whose is this armor of gold shining brightly as the morning sun and entrusted with cat's eye gems and lying shattered on the ground? विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य कांचनं छत्रं शतशालाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, ना जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित ये 100 कमानियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और ये धरती पर गिरा दिया गया है। Again, whose is this canopy spread on 100 ribs and adorned with celestial wreaths and dashed to the ground with its handle broken, O gentle brother? भग्नदण्डमिदं सौम्यं भूमौ कस्य पातितं कञ्चनोरच्छदाष्टो मे सदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे। Nay, whose are these mules of grim aspect and gigantic bodies, endowed with the heads of goblins and provided with breastplates of gold, lying slain on the battlefield? भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे दीप्त पावक संकाशो द्युतिमान समरध्वजः। तथा संग्राम में काम देने वाला ये किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समरारंगन में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। ये तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। Whose may be this brilliant chariot of war, shining brightly as a flame and bearing a distinct ensign on the field of battle?
lying overturned and broken. Apaviddhascha bhagnascha kasya sangramiko rataha rataksha matra vishikaha tapaniya vibhushanaha kasyeme nihata vanaha prakirna goradarshanaha sharavarau sharehi पूर्णौ विद्वस्तौ पश्य लक्ष्मण। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए हैं तथा ये स्वर्ण से विभूषित है। Whose are these shafts of terrifying appearance, thick and long as the axle of a chariot, lying broken and scattered with their heads detached? Also behold, O Lakshmana, a pair of quivers full of arrows lying smashed. Prato dabishu hasto ayam kasyava saratir hataha padavi purushasyesha vyaktam kasyapi rakshasaha vairam shatagunam pashya mama tair jivitantantakam sugora hridayaihi saumya rakshasaihi kamarupibhihi। लक्ष्मण उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए दो दरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। ये किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथों में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है? सौम्य, ये अवश्य ही किसी राक्षस के पद्म चिन्ह दिखाई देता है। ये इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, ये वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। Who is this charioteer lying slain with the lash and reins still in his hands? Clearly, these are the footprints of some male ogre. Know that my enmity with these ogres, possessed of fierce heart and capable of assuming any form at will, has been intensified 100-fold and will end with their life only, O gentle brother. Hrita mrita va vaidehi bakshita va tapaswini na dharmas त्रायते सीताम क्रियमानाम महावने। अवश्य ही तपस्विनी विदेही राजकुमारी हर ली गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गई है अथवा राक्षसों ने इसे खा लिया है। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। Poor Sita, princess of the Videhi territory, has been killed or devoured by ogres, or is dead through agony of separation from me. Even virtue was not able to protect Sita while she was being carried away by ogres in the great forest. भक्षितायां हि वैदेह्यां कृतायां अपि लक्ष्मण के हि लोके प्रियं कर्तुं शक्ताः सौम्य ममेश्वराः। सौम्य, लक्ष्मण जब विदेही नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरे प्रिय करने में समर्थ है हो? When even Sita has been devoured or borne away for that matter, what powerful being in this world are really capable of rendering good offices to me, O gentle Lakshmana? कर्तारम् अपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् अज्ञानात् अवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण। लक्ष्मण, जो समस्त लोकों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को ना जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। All living beings, O Lakshmana, would through ignorance of his power hold in contempt even Lord Shiva, the maker, protector, and destroyer of the worlds. Though valiant in the extreme, if he remains looking on with compassion without meddling with the affairs of the world. Mridum lokahite yuktam dantam karuna vedinam nirvirya iti manyante nunam ma त्रिदशेश्वराः। मैं लोकहित में तत्पर युक्त चित जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं, तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की।
Surely the rulers of God, such as Brahma and Indra, take me, mild, intent on the welfare of the world, disciplined and compassionate of outlook as I am, to be powerless. Mam prapya hi guno dosha samrittaha pashya lakshmana adyaiva sarva bhutanam rakshasam abhavayacha samhrityaiva shashi jyotsnam mahan surya ivoditaha samhrityaiva gunan sarvan mama tejah prakashate. लक्ष्मण देखो तो सही, ये दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है, अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेट कर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा, ये भी तुम देखो। See, O Lakshmana, how the aforesaid virtues have turned into vices on reaching me, and how, having definitely thrown into the background all the aforesaid virtues, my glory shines forth this very day for the annihilation of all living beings, including ogres, even as the exceptionally glorious sun, risen at the time of universal dissolution, blazes forth, decidedly eclipsing the moonshine. नैव यक्षा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा किन्नरा वा मनुष्या वा सुखम प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण। लक्ष्मण अब ना तो यक्ष ना गंधर्व ना पिशाच ना राक्षस ना किन्नर और ना मनुष्य चैन से रहने पाएंगे। Neither yakshas, nor gandharvas, nor fiends, nor ogres, nor kinnaras, nor human beings will find happiness any longer, O Lakshmana. माम अस्त्र बाण संपूर्णम आकाशम पश्य लक्ष्मण असंपातम करिष्यामि हि अद्य त्रैलोक्य चारिणाम। सुमित्रा नंदन देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। Behold, O Lakshmana, the space filled before long with mystic missiles and arrows discharged by me. Today, by filling the space with my arrows, I will arrest the motion of all those moving about in all the three worlds. सन्निरुद्ध ग्रहगणम आवरित निशाकरम विप्रनष्ठान अनल मरुद्भास्कर द्युति संवृतम विनिर्मतित शैराग्रम शुष्यमान जलाशयम द्वस्त द्रुमलता गुल्मम विप्र विप्रनाशित सागरम। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगण तथा सूर्य तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा, पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय नदी सरोवर आदि सूख जाएंगे, वृक्ष लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। I will subject the three worlds, which is the heaven, earth, and the intermediate region, to annihilation, the work of the time spirit, with the result that the planets will be completely brought to a standstill, the moon will be veiled, the elements of fire and air will be annihilated, and the brightness of the sun obscured. The crests of the mountains will be crushed, the seats of water, lakes, and ponds will get dry, trees, creepers, and shrubs will be uprooted, and the oceans will be drained. त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा नते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः। सुमित्रानंदन यदि देवश्वरगण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सुकुशल नहीं लौटा देंगे तो मैं मेरा पराक्रम देखेंगे। If those in authority, that is the gods, due to whose negligence my consort has been carried away by ogres, do not restore Sita intact to me, they will witness my prowess at this very hour, O darling of Sumitra. Asmin muhurte saumitre mama drakshyanti vikramam na akasham utpatishyanti sarva bhutani lakshmana.
लक्ष्मण मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। All feathered creatures, O Lakshmana, will no longer be able to fly in the airspace, which will be rendered compact with the network of arrows shot from the string of my bow. मम चाप गुणोन्मुक्तैः बाणजालैः निरन्तरं मर्दितं मम नारा च ऊर्ध्वस्थ भ्रांत मृगद्विजम्। सुमित्रा नंदन, देखो आज मेरे नराजों से रौंदा जाकर ये सारा जगत व्याकुल मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट हैं, उद्भ्रांत हो जाएंगे। O Lakshmana, behold the whole world crushed today by my steel arrows and consequently greatly perplexed with all the bounds of propriety gone and all the beasts and birds destroyed and gone astray. समाकुल ममर्यादं जगत् पश्य अद्य लक्ष्मण आकर्ण पूर्णैः इषुभिः जीवलोक दुरावरैः। सुमित्रा नंदन, देखो आज मेरे नराचों से रौंदा जाकर ये सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। With my arrows loosened from the sides of the earth with full force, and also such difficult for the world of mortals to ward off, I shall rid the world of fanes and ogres for Sita's sake. करिष्ये मैथिली हेतोः अपि शाच अमराक्षसं मम रोष प्रयुक्तानां विशिकानां बलं सुराः। धनुष के कान तक खींच कर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। The gods will witness today the power of my headless shafts discharged in indignation and implied by anger and covering a long range. द्रक्ष्यन्ति अद्य विमुक्तानां अमर्षाद् दूरगामिनां नैव देवा न दैत्या न पिशाचा न राक्षसाः। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवलोक देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोक की का विनाश हो जाने पर ना देवता रह जाएंगे, ना दैत्य, ना पिशाच रहने पाएंगे और ना राक्षस। When all the three worlds are annihilated through my anger, neither gods nor demons, the son of Diti nor ogres will survive. भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रनाशिते देव दानव यक्षानां लोकाये रक्षसामपि। देवताओं, दानवों, यक्षों और गजराक्षसों के जो लोक हैं, वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। Torn to a number of pieces by the volley of my arrows, the worlds of gods, demons, and yakshas, as also those which are inhabited by ogres, will collapse. बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौघैः शकलीकृताः निर्मर्यादा निर्मलोकान् करिष्यामि अद्य सायकैः। सुमित्रा नंदन, यदि देवश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे, तो आज मैं अपने कायकों की मार से इन तीनों लोकों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। With my arrows, I will reduce these three worlds to a state of utter confusion today if those in authority, that is the gods in power, do not restore Sita to me, no matter if she has been killed or is dead. कृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः, तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां। नाशयामि जगत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावत् दर्शनमस्या वै स्थापयामि च सायकैः। यदि वे मेरी प्रिय विदेही राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे, तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन ना होगा, तब तक मैं अपने साय को कोसे समस्त संसार को संतप्त कर डाल रहूंगा।
If they do not hand over my beloved Sita, princess of the Videhi territory, in that very condition to which she may have been reduced, I will annihilate the entire universe consisting of the three worlds and comprising both the animate and the inanimate creation, and shall continue to scorch them with my arrows till I am able to see her. Ityuktva krodha kamrakshaha puramanushta samputaha valkalajina jinam abadhya jatabaram abandayat. ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृग चरम को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार की को भी बांध लिया। Having spoken thus and tightened his robes of bark of trees and deer skin, Sri Rama knotted his head of matted hair, his eyes rendered coppery through anger, and both his lips compressed and trembling. तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जग्नुषः पूर्वं रुद्रस्यैव बभौ तनुः। उस समय क्रोध से भरकर उस तरह संहार करने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। The personality of the aforesaid Sri Rama, who though full of wisdom looked so terrible, enraged as he was, shone like that of Lord Rudra, the god of destruction, bent upon in the former times on the destruction of the three cities of gold, silver, and steel in the sky, air, and earth, built by the demon Maya. लक्ष्मणा दथ च आधाय रामो निष्पीड्य कार्मुकम् शरम आधाय संदीप्तम् घोरम् आशि विशोपमम् संदधे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनम् अब्रवीत्। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलय अग्नि के समान कुपित हो उस इस प्रकार बोले। Then taking his bow from Lakshmana and holding it tightly with his fist and snatching from his quiver a dreadful and blazing shaft resembling a venomous serpent, the glorious Rama, the conqueror of the enemy's stronghold, put it to his bow and provoked to anger like the fire flaring up at the time of universal destruction, spoke as follows to Lakshmana. Yatha jara, yatha mrityuhu. यथा कालो यथा विधि नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथा अहम् क्रोध संयुक्तो न निवार्यो अस्मि असंशयम्। लक्ष्मण जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। Even as old age, death, the time spirit and destiny assailing all creatures, all created beings cannot be warded off, O Lakshmana, so I, when filled with wrath, am without doubt incapable of being repelled. Purevame charu datim anindithaam dishanti sitam yadi na adya maitilim sadeva gandharva manushya pannagam jagat सशैलम परिवर्तयाम यहम्। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता गंधर्व मनुष्य नाग और पर्वत सहित सारे संसार को उलट दूंगा। If gods do not restore to me this very day Sita, the princess of Mithila, who is possessed of charming teeth, and is beyond reproach as she was before, I will upset the whole world consisting of the gods, the Gandharvas, human beings and Nagas, inclusive of the mountains. Ityarshe Srimad Ramayane Valmikiye Adikavye Aranyakande Chatushashtitamah Sargah।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 64 in the Aranyakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्तनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।